तो गाइस अगर आप लोग भी अपना YouTube वीडियो या फिर कोई भी वीडियो के लिए सबटाइटल क्रिएट करना चाहते हो वो भी जस्ट वन क्लिक में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। पहले मैंने आप सभी लोगों को एक वीडियो में बता दिया था कि सबटाइटल क्या होता है, उसका क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, और आप सभी लोगों को यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सर्च रैंकिंग वगैरह में क्या क्या फ़र्क पड़ता है, और साथ ही साथ आप सभी लोग उसको YouTube पे कैसे YouTube वीडियोज में कैसे करके लगा सकते हो, सभी चीज़ मैंने आप सभी लोगों को एक वीडियो में बता दिया है, जिसका कि लिंक जो है मैं आप लोगों को आई बटन पे दे दूंगा। आप लोग वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा, आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा उससे भी हेल्प मिल जाएगा। तो गाइज उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि कैसे करके हम सभी लोग सिंपली वन क्लिक में इस सब टाइटल को क्रिएट कर सकते हैं और जो है YouTube पे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं आप सभी लोगों को उसी बारे में टोटल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं अपना PC में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। अगर आपके पास गाइज PC नहीं है तो आप सभी लोग क्रोम में भी डेस्कटॉप साइट को इनेबल करके सेम काम को कर सकते हो। सबसे पहले गाइज आप सभी लोगों को ये एक वेबसाइट ओपन करना है जिसका कि नाम है vid.io। ये वीडियो अपलोड करने के बाद जो है गाइज यहाँ पे आप सभी लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसको कि मैं आप सभी लोगों को थोड़ा हाईलाइट करके दिखाया था ताकि आप सभी लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये आप सब देख सकते हो गाइज यहाँ पे एक अपलोड ए वीडियो करके यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो सिंपली हम सभी लोगों को अपलोड योर वीडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करेंगे गाइज तो ये जो है हम सभी लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस लेकर के आ जाएगा। यहाँ पे जो है हम लोग फाइल को ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं, डिवाइस में से अपलोड भी कर सकते हैं, डायरेक्टली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स वगैरह में से भी इसको अपलोड कर सकते हैं, और साथ साथ अगर आपका वो जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोडेड है तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली उसका लिंक पेस्ट करके गाइज यहाँ से डायरेक्टली जनरेट कर सकते हो। मेरा जो है मेरा अपने डिवाइस में ही मेरा वीडियो है, तो मैं सिंपली डिवाइस पे क्लिक करूंगा और वीडियोज पे जा करके गाइज ये जो मेरा वीडियो है मैंने रिसेंटली पब्लिश किया था 50 सेकेंड्स का, उसको जो है मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद जो है गाइज ये थोड़ा देर टाइम लेगा हम सभी लोगों को अपलोडिंग में। तो गाइज यहाँ पे अभी अपलोड हो रहा है वीडियो, और अपलोड होने के बाद जो है गाइज आप सभी लोग डायरेक्टली इधर से सबटाइटल्स को जनरेट कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आप सब देख सकते हो नीचे की तरफ थोड़ा वो हिल डुल दिखा रहा है, यानी कि अभी जो है वीडियो हम लोगों का अपलोड हो रहा है और जो है हमारा वीडियो अपलोड होने के बाद थोड़ा देर जो है पब्लिश होगा, सॉरी प्रोसेसिंग होगा। तो गाइज यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हो हमारा शेप लिख चुका है। अब जो है गाइज आप सभी लोगों को साइड में यहाँ पे आप सब देख सकते हो गाइज यहाँ पे एक सबटाइटल्स करके एक ऑप्शन हम लोगों को देखने को मिलता है, तो हम लोगों को जो है सिंपली जो सबटाइटल्स पे क्लिक कर देना है। जब हम सभी लोग सबटाइटल पे क्लिक कर देंगे गाइज तो यहाँ पे हम लोगों के सामने तीन ऑप्शन बचता है, हम लोगों को जो है गाइज यहाँ पे क्लिक कर देना है ऑटो ट्रांसक्रिप्ट। इससे जो है गाइज ये ऑटोमेटिकली हमारे वीडियो में से ट्रांसक्रिप्शन को ले लेगा, तो हम लोग सिंपल से इसी पे डायरेक्टली क्लिक करते हैं। और जो है गाइज हम लोगों का वीडियो का लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो मेरा वीडियो फिलहाल हिंदी में, तो मैं जो है यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे जो स्टार्ट का बटन है सिंपली हम लोगों को स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जब हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे गाइज तो थोड़ा देर टाइम लेगा, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस प्रोसेस माइट टेक सेवरल मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ योर वीडियो, यानी कि आपका वीडियो जितना बड़ा है उसके हिसाब से जो है थोड़ा सा टाइम वगैरह ले लेगा गाइज। तो आप सभी लोगों को जो है इसको आपका जितना बड़ा होगा उतना आप लोगों को टाइम देना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइज मेरा जो है ये ऑटोमेटिकली इधर सब टाइटल्स जनरेट कर दिया है। अब मैं आप लोगों को प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ वीडियो को। गाइज अगर आप भी कोई यूट्यूब क्रिएटर हो और आप लोगों का चैनल बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है और आप लोगों को यूट्यूब टीम से बात करना हो तो आप सभी लोग सिंपली एक ट्रिक यूज कर सकते हो। तो देखा गाइज आप लोगों ने कि कैसे मेरा ये जो वीडियो है उसको इसने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने ये वीडियो में सिंपली बताया था कि कैसे करके आप सब YouTube टीम से बात कर सकते हो। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो ये लिख दिया है, तो भाई अगर आप भी कोई YouTube क्रिएटर हो और आप लोगों का चैनल बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं है और आप लोगों को YouTube टीम से बात करने, ये सब गाइज इधर डायरेक्टली जो है कन्वर्ट करके हम लोगों को दे दिया है। लेकिन गाइज ये जो है डायरेक्टली ऑटोमेटिकली अपने आप से ही कन्वर्ट किया है और ये रोबोट के थ्रू बॉट के थ्रू ये जो है कन्वर्ट हुआ है डायरेक्टली। तो वैसे में क्या होगा कि जो चीज़ हम लोगों ने बोला है तो बीच बीच में ये अच्छे से नोटिस नहीं भी कर पाएगा और भी बहुत सारा गाइज इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे कि बीच बीच में जो है आप लोगों का जो वर्ड है वो थोड़ा इधर उधर लिख देगा गाइज। तो आप सभी लोगों को अपलोड करने से पहले गाइज इसमें एक चीज़ देखना होगा, आप लोगों को एक बार इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्पेशल ट्रिक बोला है, यहाँ इलेक्ट्रिक लिख दिया है गाइस। तो वैसे करके एक दो सिंपल सिंपल मिस्टेक हो जाएगा अगर हम सभी लोग वीडियो में अच्छे से नहीं बोलते वो लैंग्वेज को
और जो है थोड़ा इधर उधर करके हम लोग बोलते हैं या फिर वो हम लोगों का भाषा जो है डिटेक्ट नहीं कर पाता, वॉइस अच्छे तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाता गाइज, तो वो जो है यहाँ पे अपने मन से कुछ दूसरा चीज़ उसका रिलेटेड वो लिख देगा। तो वैसे में आप सभी लोग यूट्यूब पे अपलोड करने से पहले जो है इसको एक बार आप लोग खुद से रीड कर लीजिए, जहाँ जहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा बहुत आप सभी लोग मिला लीजिएगा, उसके बाद ही यूट्यूब पे अपलोड कीजिएगा। और गाइज अगर आप सभी लोग अपना वॉइस वगैरह क्लियर बनाना है तो आप सभी लोग डायरेक्टली अपना यूट्यूब वीडियो में से या फिर कोई भी वीडियो में से गाइज आप लोग बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव कर सकते हो अपने एंड्रॉयड फोन या फिर पीसी का मदद से, जिसपे कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना ही दिया है। तो अब इतना करने के बाद जो है गाइज आप सभी लोगों को ये जो है इसको सेव करना है गाइज। तो सबटाइटल्स के जो साइड में गाइज आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसक्रिप्ट करके कुछ लिखा हुआ है गाइज, तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। ट्रांसलेट पे क्लिक करने के बाद जो है गाइज यहाँ पे एक टाइटल दे दिया है, और साथ ही साथ गाइज आप सभी लोगों को क्या करना है सिंपली यहाँ पे सबटाइटल्स में जो हम लोग ट्रांसलेट पे आए थे, तो यहाँ पे गाइज आप लोगों को एक छोटा सा एक डाउनलोड का यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा गाइज, तो आप लोगों को क्या करना है सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर जब आप लोग क्लिक कर दोगे गाइज यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का जो वो सब टाइटल है वो डाउनलोड हो चुका है। इस पर हम लोग क्लिक करके मैं आप लोग को ओपन भी करके दिखाया था, यहाँ पे टाइम स्टैम्प वगैरह सभी चीज़ दिखा रहा है गाइज। तो ऐसे ही करके गाइज आप लोग भी इधर से सब टाइटल्स डायरेक्टली जनरेट कर सकते हो। अब गाइज सब टाइटल जनरेट करने के बाद जो है गाइज आप सभी लोगों का वीडियो तो जो भी लैंग्वेज में होगा यूट्यूब पर आप सभी लोग सिंपली जाइएगा और वहाँ से जो है आप लोग अपना वीडियो का लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जो ही फाइल को हम लोगों ने इधर से जनरेट करा है उसको जो है सिंपली आप सभी लोग अपलोड कर दीजिएगा। इसको अपलोड करने के बाद जो है गाइज आप सभी लोगों को अगर मान लीजिए इसको डायरेक्टली इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना है, तो आप सभी लोग अपना वही यूट्यूब का जो सबटाइटल्स वाला सेक्शन होता है वहीं पे डायरेक्टली ऐड अ लैंग्वेज पे क्लिक करके आप सभी लोग इंग्लिश को भी ऐड कर सकते हो, और जो है जो चीज़ हम सभी लोगों ने यहाँ पे लिखा था उसको ऑटोमेटिकली यूट्यूब जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, और जो आप सभी लोग डायरेक्टली वर्ल्ड का जो भी लैंग्वेज हो जो कि यूट्यूब में एक्सेप्टेड है उसको आप सभी लोग डायरेक्टली जस्ट वन क्लिक में उधर से अपलोड कर सकते हो, और साथ ही साथ यूट्यूब का जो सबटाइटल्स है उसको आप सभी लोग डायरेक्टली यूट्यूब के थ्रू ट्रांसलेट करा सकते हो। तो बस यार आज का वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो एकदम हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोग ऐसे ही कंटेंट चैनल पर देखने को मिलता है।